हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के यूज नेविगेशन टाइप हुक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये हुक क्या है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक दो एप्लीकेशन में इसका कमाल का, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या इसका यूज़ है वो भी देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होगा कि सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि भाई कि यूज नेविगेशन हुक ये है और इससे आप बस ये मतलब एक्स वाई जेड ऐसा कुछ कर सकते हो बस। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जब तक आप उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज नहीं समझ लेते तब तक भाई वो फिर सीखना ही बेकार है। ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग इसका रियल वर्ल्ड, कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज केस देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका एक सिंपल एग्जांपल भी लेंगे, समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो पहले इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो यूज नेविगेशन टाइप ये जो है ये हुक है। ठीक है, अब भाई कैसे पता कर सकते हो हुक है, मतलब जैसे कोई कुछ बोल देता है तो ठीक है, तो भाई हुक है कैसे, मतलब तो कोई भी हुक होगा ना भाई, सिंपली तुमको पता होगा उसके पहले यूज जो है वर्ड लगा होगा, ये नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, ठीक है, होता है ना हर चीज़ का नेमिंग कन्वेंशन, जैसे फंक्शन जो होगा स्मॉल लेटर्स होगा, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से होगा, तो तुम देख के पता कर सकते हो कि ये क्लास का नेम है या फिर फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज जो वर्ड है वो लगा होगा। तो अब इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, यूज नेविगेशन टाइप। ठीक है, तो यूज वर्ड भाई सिंपल है, मतलब ये जो होगा हुक, यहाँ तक तो समझ में आता है। यूज का क्या होता है, मतलब यूज को भाई हिंदी में निकालोगे, यूज करना यानी व्यवहार करना, मतलब वही बोलते हैं ना उसको यूज करना, तो यहाँ पर वैसा कुछ मीनिंग नहीं है, बट यूज वर्ड लगा हुआ है ताकि वो बढ़ के समझ में आए कि भाई हाँ ये जो है हुक है। नॉर्मल फंक्शन का नाम यूज से शुरू नहीं होता है कभी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, बचा नेविगेशन टाइप। अब दोनों को ब्रेक करो, नेविगेशन का क्या मतलब होता है, नेविगेशन का मतलब होता है नेविगेशन जो वर्ड है। ठीक है, ये तो भाई इंग्लिश का वर्ड है ना, नेविगेशन, नेविगेशन बना नेविगेट से, ठीक है, रिलेटेबल वर्ड है ना, तो नेविगेशन जैसे सुनते हो तो भाई दिमाग में कुछ आता है। नेविगेशन मतलब क्या होता है कि भाई एक्चुअल में नेविगेशन का मतलब जब तुम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करते हो। ठीक है, जैसे कि होम पेज से तुम अबाउट अस में गए, अबाउट अस से कॉन्टेक्ट्स में गए, कॉन्टेक्ट से मान लो लॉग इन पेज, साइनअप पेज में गए, तो जो तुम नेविगेट कर रहे हो एक पेज से दूसरे पेज में क्लिक कर रहे हो, जब क्लिक करते हैं ना तो दूसरे पेज में जाते हैं, तो नेविगेट करना है। जैसे तुम घर पे हो तो भाई तुम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, फिर किचन से मान लो भाई कहीं और जा रहे हो, ठीक है, टॉप फ्लोर पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जो भी है, तो वो नेविगेशन हो रहा है ना रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल लाइफ में। तो इसी तरीके से जब एक पेज से तुम दूसरे पेज में जाते हो, क्लिक करते हो, तो नेविगेशन होता है। ठीक है, तो भाई अभी क्या सीन है, नेविगेशन का क्या मतलब होता है, नेविगेशन का मतलब होता है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना। ठीक है, टाइप, टाइप का क्या मतलब होता है, टाइप का मतलब होता है भाई, टाइप का क्या ही मतलब हो सकता है हिंदी में भाई, टाइप का मतलब होता है कि किस तरह का है, किस तरह का है, हाँ भाई हिंदी में जो मतलब होगा टाइप का, बहुत सिंपल मीनिंग है, तो दिमाग से ऐसे निकल गया था भाई टाइप का नहीं समझ में आ रहा मीनिंग। ठीक है, तो टाइप का मतलब किस तरह का, टाइप बोलते हैं ना भाई वो किस टाइप का है, वो लड़का किस टाइप का, ऐसा बोलते हैं या फिर नहीं बोलते भाई वो लड़की किस टाइप की है, तो टाइप मतलब होता तरह, किस तरह का है। ठीक है, तो यूज नेविगेशन टाइप, यूज को थाटा तो भाई यूज होगा क्योंकि वो हुक है, नेविगेशन टाइप तो किस तरह का नेविगेशन हो रहा है वो बताएगा हमें यूज नेविगेशन हुक। ठीक है, तो अभी कोडिंग पे चलते हैं, तो मेरे पास एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसको मैंने वेट के मदद से क्रिएट करके रखा हुआ है और सिंपल राउटिंग किया, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कि मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा भाई, और मेरा वीडियो का पैटर्न हमेशा लगभग सेम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप देख के बोलोगे भाई पता नहीं क्या लिखा शुरू तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल देखो, ये क्रिएट ब्राउजर राउटर में हमने बेसिक राउटिंग किया हुआ है, होम पेज में लेआउट को रेंडर कराया हुआ है, बाकी उसका जो इंडेक्स एलिमेंट में होम पेज, यानी कि इंडेक्स चाइल्ड डिफॉल्ट चिल्ड्रन जो होम पेज होगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारे यहाँ पे होम पेज दिख रहा है। ठीक है, तो भाई अभी क्या करते हैं, मैंने ना यहाँ पे दो राउट्स क्रिएट करके रखा हुआ है, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो इसको ना मेन यहाँ पे ऐड करते हैं और समझते हैं यूज नेविगेशन टाइप को पहले बेसिक एग्जांपल से, फिर हम लोग इसका कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज देखेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है एक यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, पाथ देते हैं जैसे अबाउट, और इसका एलिमेंट देते हैं अबाउट। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश राउट स्लैश अबाउट। ठीक है, और एक पाथ देते हैं कॉन्टेक्ट का, बस सिंपल। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेट नहीं रखेंगे, सिंपल एग्जांपल है तो इसको सिंपल ही रखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट, और इसका जो है एलिमेंट हम लोग देंगे, एलिमेंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और कॉन्टेक्ट को कर लेते हैं इम्पोर्ट कंपोनेंट, इसलिए पहला लेटर कैपिटल होगा, फाइल के लिए स्मॉल हो सकता है, लेकिन भाई जो कंपोनेंट का नेम होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, तो फिर वो इनफाइनाइट लूप या फिर एक एरर टाइप से आएगा जो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसमें से स्लैश अबाउट या स्लैश इस पे जा सकते हैं कॉन्टेक्ट पे, लेकिन उससे अच्छा होगा कि लेआउट में एक सिंपल सा नेविगेशन, मतलब सिंपल। ठीक है, इस तरीके से लिंक कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लेते हैं, बस हो गया, तो सिंपल है। अब वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो अगर आपको लगे कि भाई समझना है, तो लिंक टू, और यहाँ पे देते हैं जैसे कि एक देते हैं होम पेज के लिए, देते हैं स्लैश इस तरीके से, और यहाँ लिखते हैं होम। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दो बार,
और भाई यहाँ पे टू लिखना था तो टीपी लिखा गया, बताओ टू, और यहाँ पे होगा सिंपली अबाउट और एक होगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये लेआउट में दिए तो क्या होगा कि हर एक पेज में नहीं रिपीट करना पड़ेगा, सब में दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ स्टाइलिंग कर देते हैं हमारे को, क्योंकि सीएसएस तो यूज नहीं कर रहे, तो बेसिक स्टाइलिंग मतलब भाई ये अपना स्टाइल है, ठीक है। इस तरह का थोड़ा दिख रहा है, ये भाई 90s वाला यहाँ पर वाइब आ रहा है, ठीक है। तो होम पेज पे क्लिक करने से ऐसा हो रहा है, अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट हो रहा है, कॉन्टेक्ट पे जा रहे हैं कॉन्टेक्ट पर, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ नेविगेशन टाइप का क्या मतलब है, क्या सीन है, नहीं है, पहले बेसिक देखते हैं, फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसके यूज़ केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, लेआउट में लगाते हैं यूज़ नेविगेशन टाइप का हुक को, ठीक है। तो हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं यूज़ नेविगेशन टाइप, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं नेविगेशन टाइप यूज, यहाँ पर वेरिएबल, जब भी आप कोई हुक को यूज़ करेंगे ना तो उसका जो वेरिएबल नेम नेमिंग कन्वेंशन होता है आप देखेंगे, उसका नेम हमेशा यूज़ को छोड़ कर होगा। जैसे यूज़ नेविगेशन टाइप है तो वेरिएबल जो बनाएगा वो नेविगेशन टाइप। अब यहाँ पर आलू प्याज टमाटर कद्दू कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हुक का नेम होता है उसका उसी का नेम रखते हैं, लेकिन यूज़ नहीं लिखते, ठीक है। तो भाई यूज़ यहाँ पे लिख देंगे तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा ना कि वेरिएबल नेम जो इंपोर्ट किया दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, तो एरर आ जाएगा, समझ रहे हो। एक रीज़न ये भी है और एक रीज़न ये भी कि नहीं, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ठीक है। अब इसको कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं भाई कि क्या माजरा है, समझ में आए, ठीक है। तो यूज़ नेविगेशन हुक क्या करता है, रिटर्न करता है। अगर आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये रिटर्न करता है, ठीक है, करेंट एक्शन की भाई क्या जो है। देखो ये देखो यहाँ पे सिंपली लिखा रिटर्न्स द करेंट नेविगेशन एक्शन विच डिस्क्राइब हाउ हाउ द राउटर कैम टू द करेंट लोकेशन, ठीक है। तो भाई करेंट लोकेशन वो किस तरीके से आया, ठीक है। तो आइदर बाई ये पॉप पुश और रिप्लेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हिस्ट्री को यहाँ पर हिस्ट्री स्टैक लिखा होगा। अब तुम्हारा ध्यान में होगा कि तुमने भाई 11, 12 या बी सी ए में पढ़ा होगा, C++ में थोड़ा बहुत जो भी है भाई डेटा स्ट्रक्चर में जो होता है ना, स्टैक क्वेरी और पता नहीं क्या क्या होता है, ट्री वगैरह बला 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 इस तरह जो भी है, ठीक है। तो उसमें स्टैक होता है, तो स्टैक में जो होता है ना तुमने पढ़ा होगा बेसिकली। अब ये नहीं कि इसको समझने के लिए तुमको स्टैक समझना होगा, वो बकवास हो सब कुछ, ठीक है। सुना होगा ना थोड़ा बहुत भाई, तो ठीक है उतना ही काफ़ी। और नहीं भी समझ सुना तो छोड़ दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुमको उसके लिए जानना होगा, बस ये स्टैक का समझे कंटेनर जैसा, ठीक है, बस इतना दिमाग में रख लो। तो क्या होता है उसमें ना, पॉप पुश या रिप्लेस होता है, ठीक है। तो या तो पॉप होगा या तो भाई पुश होगा या तो रिप्लेस होगा, ठीक है। तीनों का भी हम मतलब देखेंगे रियल और एप्लीकेशन में यूज केस, लेकिन पॉप पुश रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस नहीं रिप्लेस हो जाएगा, अभी देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है ये सब समझ में आ जाएगा। तो नेविगेशन टाइप को यहाँ पर ना कॉन्सोल लॉग करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जैसे करेंट नेविगेशन को सेव करते हैं और ना क्या करते हैं ये जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर कॉन्सोल पहले ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले होम पेज ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करेंगे ये देखो करंट नेविगेशन टाइप पॉप हुआ। तो पहले तो कुछ भी नहीं था ना, तो क्या होता है पॉप होता है फर्स्ट टाइम जो है तो पॉप होता है और यहाँ पर जो ये आ गया। अब अगर आप इसको क्लिक करते हैं, अब अगर किसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे अबाउट पर क्लिक करेंगे, अबाउट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा भाई, पुश होगा, क्योंकि हिस्ट्री का अगर स्टैक है, अगर अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट वाला जो है ना टॉप, मतलब अबाउट वाला पुश होगा, ठीक है, उस पर पुश होगा। तो जब पुश होगा यानी उसके मतलब ऊपर आ जाएगा, तो भाई अब क्या दिखेगा हमें, अबाउट का पेज दिखेगा, समझ रहे हो, दोनों लिंक हो पा रहा है, ठीक है। जैसे क्लिक किया देखना आप पुश होगा, ये देखो पुश हो रहा है। लेकिन जैसे बैक जाएंगे, तो जब बैक जाएंगे भाई तो हिस्ट्री का जो कंटेनर था, स्टैक था, जो कंटेनर वहाँ से क्या करेगा, अबाउट का जो हिस्ट्री था ना उसको निकाल देगा। जैसे तुम फोटोशॉप में नहीं देखते हिस्ट्री लेयर दिखाता है, उसमें देखना फोटोशॉप में भी होता है हिस्ट्री लेयर करके। तो अब तुम वापस जाओगे तो भाई या अंडो एक तरह समझ लो, अंडो कर रहे हैं या फिर वापस जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उस कंटेनर में से वो अबाउट का हिस्ट्री निकाल देगा। जब निकाल देगा तो इससे पहले जो था वो आएगा। जैसे हम बैक करेंगे ना तो देखना यहाँ पर पॉप लिखा हुआ आएगा, ये तो आया, देखा पॉप आया भाई, ठीक है। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर पुश होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर पुश होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर भाई 3-4 बार नहीं लिखा रहा है, काउंटिंग बढ़ता था। अगर सेम ही चीज़ होगा ना तो यहाँ पर 3-4-5 इस तरह से लिखा था, पता है ना, ये देखो देखो बढ़ रहा है ना, 4-5 इतना पुश हो रहा। पहले क्या होता था, हर एक बार लिखा होता था, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ तुम जब 2 बार करोगे ना तो भाई वो रिप्लेस हो जाता। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म है, अबाउट पर क्लिक किया, ठीक है, फिर क्लिक किए दो, ये हो गया। लेकिन रिप्लेस का और चीज़ बताते हैं जो जो रियल वर्ल्ड में हम लोग यूज़ करते हैं ना। जैसे मान लो कि अगर हम लोग होम पेज पे हैं और अगर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो रिप्लेस हो जाए। अब बोलोगे भाई क्यों रिप्लेस करना है, ठीक है, क्यों करना है, वो अलग यूज़ केस में होता है, मैं अभी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी देख लो, मान लो देखते हैं यहाँ पे रिप्लेस होता है, यहाँ बुलियन देना पड़ता है, तो बाई डिफॉल्ट ये ट्रू है, ठीक है। अगर इसको हम लोग रुको होम पेज पे गए, ठीक है, पहला पॉप दिखा, अब किस पे था, कॉन्टेक्ट पे था, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे ना
ये देखो रिप्लेस आ रहा है ना कि पुश हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अब इससे क्या होगा, जब भी आप बैक करेंगे ना तो ये वापस होम पे नहीं जाएगा। देखो बैक के क्लिक किया, अरे भाई ये क्या सीन हो गया। रुको 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 भाई, ऐसा नहीं, रुको रुको, ये आया ठीक है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया और जैसे बैक पे क्लिक करेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं कंफ्यूज हो गया था भाई। देखो बात ये कि हिस्ट्री का जो स्टैक है ना वो है, कंटेनर है, और उसमें हिस्ट्री पहले वाला रिकॉर्ड है। तो हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इलुस्ट्रेट करने के लिए, इसको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में इस तरीके से यूज़ भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि ये तुमको समझ में नहीं आ गया भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो तुम नहीं समझ पाओ भाई। ये बस बेसिक एग्जाम्पल है ठीक है। कॉन्टेक्ट में गए, नया टैब ओपन किया, कॉन्टेक्ट में गए, अब अगर बैक करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे आया, ना कि होम पेज पे आया। तो अब यहाँ पे क्या था कि पहले से ऑलरेडी बहुत सारा हिस्ट्री स्टैक में ऐड हो गया था, इसीलिए वो उस तरह का बिहेवियर दिख रहा था। बट कोई बात नहीं ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो ये कुछ रियल वर्ल्ड में ऐसा हम लोग नहीं यूज़ करते। मतलब यूजर को क्या मतलब भाई, क्या नेविगेशन टाइप है इसका रियल वर्ल्ड में। अभी थोड़ी देर में हम लोग एप्लीकेशन में देखने वाले, काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन में इसको देखने वाले। लेकिन जो मैं बता रहा था ना रिप्लेस कब यूज़ करते हैं वो सुन लो पहले। रिप्लेस तब यूज़ करते हैं जब देखो जैसे कोई पेज लॉग इन हो रहा है ठीक है। जब कोई पेज लॉग इन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, तो ऐसा नहीं होता ना कि लॉग इन करने के बाद जैसे यूजर लॉग इन कर लिया ठीक है, सही मान लो कि आईडी पासवर्ड सही डाला और लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद अगर यूजर बैक बटन पर क्लिक करेगा तो क्या वापस उसको लॉग इन पेज पर जाना चाहिए? बेसिक जो मैकेनिज्म है नेविगेशन का वही होता ना ठीक है। तो आप तुमको रिप्लेस लगाना पड़ेगा कि अगर वो सक्सेसफुली हो गया तो रिप्लेस कर देता है उस स्टैक हिस्ट्री को। तो जब भी बैक बटन दबाएगा तो वापस से इस तरह का ब्लैंक पेज पे आ जाएगा, ना कि लॉगिन पेज पे जाएगा। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना भाई, अगर तुम सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हो पेज को और बैक बटन पर क्लिक करते हो तो क्या तुम फिर से वापस लॉगिन पेज पे आ गए? तो कोई सेंस नहीं बनता। तुम तो लॉगिन ऑलरेडी तुम ऑथेंटिकेटेड हो ना, तो फिर से लॉगिन का पेज आने का क्या मतलब बैक बटन पर? तो बैक बटन क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि बैक बटन पर क्लिक करते सीधा इस तरह से ब्लैंक पे आ जाए ठीक है। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग चलिए इसका देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में क्या यूज़ है। यहाँ तो भाई बस कौनसोल हो गया, ये सब थियोरेटिकली है कि जानने के लिए, हाँ चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है भाई? मतलब जब तक रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं जानोगे तो कोई फायदा नहीं है ठीक है। तो हम लोग इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ देखते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या यूज़ है। तो भाई मेरे देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसका जो देखते हैं यूज़ केस देखते हैं ठीक है। तो भाई देखो बात ये है कि ये अच्छा ये जो प्रोजेक्ट ये 7.5 घंटे वाला है, मतलब अब ऐसा नहीं कि इसको समझ लेगा तुमको भाई पूरा देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, ऐसा नहीं है। तुम अपने एप्लीकेशन में कहीं पर भी ये देखो यूज़ केस अगर मैच कर रहा तो यूज़ कर सकते हो, और ऑब्वियसली मैच करेगा ही ठीक है। तो देखो यहाँ पे गो टू स्टूडेंट डैशबोर्ड में करते हैं, हाँ ठीक है। पहले हम लोग होम पेज में देखो, होम पेज तो यहाँ पे अब यूज़र एप्लीकेशन ओपन करेगा तो कुछ इसी तरह दिखेगा ना भाई, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट चल जाएगा डैशबोर्ड पे। तो गो टू स्टूडेंट डैशबोर्ड, अब यूज़र को अगर ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेगा ठीक है, और यहाँ पे जो है यूज़र अपना डिटेल्स डाल के ऐड कर सकता है ठीक है। लेकिन भाई एक चीज़ समझो कि अगर यूज़र बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के चलो कि भाई यूज़र डायरेक्टली अगर ये चीज़ हिट करता है, इस यूआरएल को ही हिट करता है ब्राउज़र पे और आता है, तो फिर भी दिख रहा है यहाँ पे तो सेम ही वही दिख रहा है। बोलो हाँ भाई सेम दिख रहा है, इसमें क्या मतलब, क्या इसमें क्या कुछ अलग कहाँ है, उसमें दिक्कत भी क्या है? मतलब ठीक है ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ अलग थोड़ी दिखेगा, इसमें दिक्कत क्या है ना ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे कैंसिल का बटन है और यहाँ पर भी कैंसिल का बटन है। बताओ यहाँ पे कैंसिल का बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करने से क्या क्या अंतर होगा? बोलो वापस बैक जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। लेकिन नहीं, अलग कुछ होगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो वापस बैक तो जाएगा लेकिन यहाँ पर आएगा ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करने से, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस पे हिट किए थे, यहाँ पे करने से वापस से ये होम पे जाएगा। तो भाई बात ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ नेविगेशन टाइप का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन यहाँ दे सकते हैं कि भाई अगर डायरेक्टली ये चीज़ आया होगा ठीक है, बिना किसी मतलब पीछे कोई पेज के थ्रू आया होगा, डायरेक्टली अगर हिट करके आया होगा तो ये बटन ना दिखे। वो कैसे पता करेंगे? देखो जब भी मैंने दिखाया था ना थोड़ी देर पहले सिंपल एग्जांपल में आपको दिखाया था ना कि जब भी आप पहला बार किसी वर्ड हिट करते हो, यानी ये चीज़ जब आप करोगे तो फर्स्ट बार ही तो करोगे ना, इसे नया टाइप में किया इस तरीके से किया, तो ये फर्स्ट बार ही हुआ ठीक है। तब क्या होगा, पॉप आता है, पॉप होता है नेविगेशन टाइप, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे पीछे जाते हो या किसी पे जाते हो पुश होता है ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप होम पेज से, मतलब होम पेज का बात नहीं, अगर यहाँ से भी जाओगे, यहाँ पर आके प्लस पर क्लिक करोगे तो ये पुश हो रहा है इस ट्रैक में, तब आप यहाँ पे आए हो है ना। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अगर पॉप नहीं है तभी कैंसिल बटन दिखे, पॉप है तो ना दिखे ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं ये जो कैंसिल बटन है, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा भाई क्या दिखा रहा है फाइल वाले ठीक है। ये 7.5 घंटे का वीडियो जो था वो स्क्रैपिंग था, तो उसका फाइल है ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट ये फॉर्म है, उसी का ये कंपोनेंट है ठीक है, ये इनपुट टाइप है, बेसिकली आपको बता दे रहे। और यहाँ पे जो है हम इम्पोर्ट कर लेंगे क्या, यूज़ नेविगेशन टाइप। तो यहाँ पे देखेंगे यूज नेविगेशन टाइप ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हम लोग जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट नेविगेशन टाइप इक्वल्स टू यूज नेविगेशन टाइप ठीक है, इस तरीके से।
और यहाँ पे नेविगेशन टाइप को लेते हैं, लास्ट में आ जाते हैं और कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ये रहा कैंसिल का, इसके जस्ट यहाँ पे कि भाई यूज़ नेविगेशन टाइप जो है नॉट इक्वल्स टू पॉप, ठीक है। अगर पॉप नहीं हुआ तभी कैंसिल बटन दिखे, पॉप है तो फिर नहीं दिखे, यानी कि यूज़र पहला बार अगर मतलब डायरेक्टली हिट करके आया तो नहीं दिखे, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कैंसिल बटन है इसको बस यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, इसको सेव करते हैं, तो ये अभी रेंडर होगा। तो यहाँ पे ये चीज़, अब बोलोगे भाई देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब बोलोगे भाई यहाँ पे तो ये वापस यहाँ से आया था ना, मतलब यूज़र से आया था, फिर यहाँ पे क्यों हट गया, रीज़न बताते हैं उसके लिए, टेंशन मतलब रुको, उसके पीछे रीज़न हम बताते हैं, ठीक है। ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होगा बट बताते हैं। तो यहाँ पे ना प्लस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है, यहाँ पे जो है कैंसिल बटन आ रहा है, लेकिन यही एड्रेस को जो है आप अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो कैंसिल बटन नहीं आएगा। तो ये काफ़ी कमाल का, यही सेम चीज़ आप डैशबोर्ड में कर सकते हो। देखते हो डैशबोर्ड में बहुत बार होता है ना कि डेटा वेटा दिख रहा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा पेजेस होता है, मल्टीपल पेजेस होता है, बैक टू बैक का बटन होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई बैक का बटन तभी दिखे मतलब जबकि वो यूज़र के थ्रू मतलब प्रीवियस पेज के थ्रू आया हो, यानी इसी यही सेम कंडीशन आप लगा सकते हो कि अगर वो नेविगेशन टाइप इज नॉट इक्वल टू पॉप है तब जाके जो है बैक का बटन दिखे, यानी नेविगेशन करते करते आया, कहीं ना कहीं पुश होते होते आया तो दिखे, ठीक है। और वरना नॉर्मली ना, मतलब नॉर्मली ना दिखे, ठीक है। अगर डायरेक्टली यूज़र हिट करके आया एड्रेस को तो फिर यहाँ पर कैंसिल बटन नहीं दिखे, और नॉर्मली अगर नेविगेशन करते करते आया तब दिखे, तब उसका सेंस भी बनता है ना कि हाँ वापस जा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, अगर कोड के यहाँ पर हम कुछ भी रैंडमली स्पेस देते हैं और सेव करते हैं ना, और फिर देखना यहाँ से भी नेविगेशन जो हट ये हट जाएगा कैंसिल बटन, इसलिए ना कि एप्लीकेशन फिर से लोड लिया, ठीक है, और तब जाके यहाँ पर ऐसा हुआ। तो ये ना डेवलपमेंट मोड पर ही ऐसा हो रहा है, प्रोडक्शन पर ऐसा थोड़ी हुआ भाई, प्रोडक्शन पर थोड़ी तुम कोड को सेव कर रहे हो, मतलब भाई यूज़र तो सीधा वेबसाइट पर आएगा ना, यूज़र क्या कोडिंग थोड़ी करेगा, वो तो सिंपली वेबसाइट पर आएगा जैसे हम दिखा रहे थे, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं और इसको बार बार सेव करके यहाँ रीरेंडर हो रहा है फिर से ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होगा, रियल लाइफ में तो यूज़र मतलब वेबसाइट ओपन करेगा, वो कोडिंग थोड़ी ओपन करेगा भाई, कोई सेंस थोड़ी बनता है। यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोडिंग करें विजुअल स्टूडियो कोड में, और जब भी कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर से ये रीरेंडर होता है, ये जो यूआई दिख रहे हैं, इसीलिए ऐसा यहाँ पे हमें ऐसा हो रहा है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड में यूज़र पहला ये होम पेज ओपन करेगा, फिर गो टू डैशबोर्ड में जाएगा, फिर ऐसा करेगा तो उसको दिखेगा ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे तो हट जा रहा है क्योंकि भाई हमारा ये कोडिंग हम लोग करें, समझिए। तो घबराना नहीं है यहाँ पे। तो ये था पहला कमाल का एक ऐप यूज़, मतलब यूज़ किस बोल सकते हो, रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या यूज़ है, और दूसरा और एक देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई मेरा अभी और एक कमाल का एप्लीकेशन यहाँ पे रियल लाइफ एप्लीकेशन में देखने वाले हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ पे और आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ नेविगेशन टाइप का जो कि बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा यूट्यूब का, जो हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उस वक्त जो है उस वक्त आता है कि ऐसे आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का मॉडल आता है, या फिर आप समझ सकते हो जो भी मॉडल बेस्ड एप्लीकेशन है ना वहाँ पे ये यूज़ आएगा ज़्यादातर, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इस एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करके। तो क्या होता है, यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करते हैं गलती से बाहर क्लिक करते तो पूछता होता है, देखते हैं ना, पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन, ऐसे पूछता है ना, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये शायद मेरा 4 घंटा या 3 घंटे वाला जो मल्टी टैब क्रड एप्लीकेशन जो है उसका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड में करते हैं, इस तरह का से लोडर दिख रहा है और ये डेटा लोड हो रहा है, ये डायनेमिकली आर्टिफिशियल टाइप से समझ सकते हो कि भाई ये रियल नहीं है, वो लोडिंग हो रहा है, वो मैंने जानबूझ के लगा के रखा है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो जो भी इसको अभी इग्नोर करो, तो जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ऐसा होता है ना एडिट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या तो मॉडल ओपन होता है, ठीक है। और मॉडल ओपन होता है, देखो ये अभी भी चल रहा है, तो इसको भाई इग्नोर करना है, इसलिए चल रहा है क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन में नहीं चलेगा, पीछे देख रहे थे ना लोडर, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता है वो, क्योंकि मैंने आर्टिफिशियली उसको ऐड करके रखा डिले, इसलिए जो है बार बार उस तरह का लोडर दिखता है, ऐसा नहीं होता रियल में, एक बार डेटा लोड हो गया कैचिंग हो जाता है। हालांकि टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ अगर आपको लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करते हैं, अब देखो ये मॉडल है, तो यूट्यूब में भी जब वीडियो अपलोड करते हैं बहुत सारा वेबसाइट आपको दिखेगा, जो अच्छा अच्छा वेबसाइट होता है, जो बहुत ही अच्छा अच्छा वेब एप्लीकेशन बनता है, वहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का मॉडल ओपन होता है। अब जैसे गलती से बाहर पर क्लिक करती है तो हट थोड़ी जाता है, ठीक है, या फिर क्लोज पे क्लिक करती है तो हटता नहीं, वो एक बार पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। जब भी आप एप्लीकेशन क्लोज करते हैं ना, तो वही चीज़ है कि जैसे क्लोज करेंगे तो वो पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए जाते हैं वापस हम लोग अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग वो वीडियो देखे मल्टी स्टेप जो क्रड एप्लीकेशन है, ठीक है, वो दिखे होंगे, मल्टी टैब क्रड एप्लीकेशन, उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक कंपोनेंट बना हुआ है मॉडल के लिए, ये बना हुआ है, ये अपडेट मॉडल है, क्रिएट मॉडल है, ठीक है। अभी क्रिएट में इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी आप अपडेट में भी देख सकते हैं करके। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे हम लोग
ये मतलब क्या बोले, जैसे हम लोग प्लस पर क्लिक करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको समझना होगा, नेविगेशन टाइप समझना होगा तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे पहले यूज़ नेविगेशन टाइप हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने यूज़ नेविगेशन टाइप हुक को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उसको हुक को कॉल कर देते हैं, कौन नेविगेशन टाइप यूज़ नेविगेशन टाइप। ठीक है, तो अभी ना मैं बेसिकली क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कॉन्सोल लॉग करके पहले आपको दिखाता हूँ, क्या लिखते हैं, इनिशियल रेंडर। ठीक है, जब रेंडर होगा कंपोनेंट तब क्या नेविगेशन टाइप होता है, ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। और जब कंपोनेंट एग्जिट हो रहा होगा, यानी जब कंपोनेंट क्लोज हो रहा होगा तब कैसे देखेंगे, उसके लिए यूज इफेक्ट ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ये तो ये पहले से मैंने करके रखा था गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे और इसके अंदर इस तरीके से फंक्शन देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे। तो ये रिटर्न में एक फंक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब कंपोनेंट जो है, जब कंपोनेंट एग्जिट हो रहा होगा, ठीक है, अनमाउंट हो रहा होगा, होता था ना रिएक्ट में एकदम स्टार्टिंग में, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड या कंपोनेंट विल जो भी था भाई, कंपोनेंट डिड अनमाउंट ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग कॉन्सोल लॉग करके देखेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं एग्जिट होते वक्त, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे नेविगेशन टाइप दोनों को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं हम लोग डेवलपर टूल्स, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। तो अभी जो इनिशियल रेंडर में हुआ, यानी जब हमारा ओपन हुआ तो पुश आया, लेकिन जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखो फिर भी पुश आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में पुश आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस क्लिक किए तो पुश हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में नेविगेशन एक बढ़ा आ गया। ठीक है, लेकिन क्लोज पे भी क्लिक करें तो यहाँ पर भी वो एग्जिट होते वक्त भी ये पुश है। ठीक है, वो फिर दूसरे राउट पे जो है नेविगेट हुआ, यानी वापस जो है एक स्टेप पीछे ये नेविगेट हुआ, तो अभी पुश है। ठीक है, समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग में भी पुश हो रहा है और एग्जिट होते वक्त भी पुश हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम का जो ये वर्जन है 6.10। यहाँ पे एक अभी तक ऑफिशियली शायद नहीं आया, इसलिए अनस्टेबल है, तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एक अनस्टेबल, उसके लिए जो हम लोग जैसे प्लस पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं तो पूछे मतलब प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल ये रहा, बहुत कुछ है अनस्टेबल जो है, ये रहा अनस्टेबल यूज़, अनस्टेबल यूज़ प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या है, तो यहाँ पे लिखा है भाई लॉट ऑफ रफ एजेस वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, इनकरेक्टली इन सम केसेस, तो ये बोल रहा है कि जो भी अक्रॉस ब्राउजर इफ यूजर क्लिक एडिशन बैक और फॉरवर्ड नेविगेशन वेल कन्फर्म इज ओपन यूज इट बट ऑन रिस्क। हाँ, तो ये अनस्टेबल है, अभी भी ये ऑफिशियली स्टेबल वर्जन नहीं है, बट अनस्टेबल, बट फिर भी यूज़ कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट ठीक है, सीखने के लिए और समझने के लिए ये सही है। तो पर इसका जो डिफिनेशन है, यहाँ पर दो चीज़ें, बुलियन या कब जो है प्रॉम्प्ट दिखेगा और मैसेज क्या दिखेगा। ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं अनस्टेबल प्रॉम्प्ट को, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्म की जस्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर देते हैं अनस्टेबल प्रॉम्प्ट, यू अनस्टेबल यूज प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे दो प्रॉपर्टी जाएगा इसका ऑब्जेक्ट के अंदर, एक जगह वेन यानी कब ये कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन मतलब कॉल तो अभी हो जाएगा जब हम लोग कोड को सेव करेंगे, लेकिन कब ये हिट मतलब ट्रिगर करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोगों ने नेविगेशन टाइप तो रखा हुआ है, ये रहा नेविगेशन टाइप, तो हम लोग देंगे जब नेविगेशन, क्योंकि एग्जिट हो रहा था पुश होता ना, तो वही रहेगा कि नेविगेशन टाइप जब है, नेविगेशन टाइप इज नॉट इक्वल्स टू इस तरीके से पॉप, जब पॉप नहीं होगा तब, यानी कि पुश होगा कहने का मतलब। ठीक है, या फिर हम लोग और एक चीज़ हम लोग देते हैं यहाँ पर मैसेज। ठीक है, मैसेज देते हैं आर यू श्योर वांट टू लीव दिस एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से सेव करते हैं, और यहाँ पर जैसे प्लस क्लिक करेंगे और वापस ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो नहीं जाएगा, और अगर ओके कर देंगे तो ये वापस चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो तो कीबोर्ड से अगर एस्केप की गलती से प्रेस हो गया तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं कि एकदम कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ, पूछेगा, अगर कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करते और ओके प्रेस कर देंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि बाहर कहीं अनजाने गलती से क्लिक हो गया तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू लीव दिस एप्लीकेशन या क्लोज दिस फॉर्म या जो भी वगैरह वगैरह जो मैसेज देना, अगर कैंसिल करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ओके कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ केस नेविगेशन टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अभी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हटा देते हैं, ये जो था यूज़ इफेक्ट और ये कॉन्सोल लॉग, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम अपडेट मॉडल में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर इस तरह का मॉडल है या फिर मल्टी स्टेप फॉर्म में मॉडल बेस्ड है तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का यूज़ कैसे रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ भाई मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ नेविगेशन टाइप हुक क्या है और उसको कैसे हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन में अलग अलग जगह पे अलग अलग केस के हिसाब से कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और हुक के वीडियो के साथ।